हिमाचल प्रदेश सरकार भले ही खेलों को बढ़ावा देने की बात करते नहीं थकती, लेकिन हकीकत तो आज भी यही है कि हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के पास वह सुविधाएं नहीं है जो कि अन्य राज्यों के पहलवानों के पास है। देर रात संपन्न हुए बसाल मेले से हिमाचल प्रदेश के सभी पहलवानों ने बायकॉट कर लिया है। आइए जानते हैं क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश में मेले अपनी संस्कृति, सभ्यता, खेलों को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होते हैं। लेकिन सोलन जिला के बसाल में हुए बिजेश्वर देवता मेले में स्थानीय लोगों को हिमाचली पहलवानों की कुश्ती देखने को नहीं मिली। कारण, इस मेले में देश भर के नामी कलाकारों को ज़्यादा तवज्जो दी गई, प्रदेश के पहलवानों की अनदेखी की गई। पहले बड़ी माली और छोटी माली होती थी, जिसमें छोटी माली प्रदेश के पहलवानों को मौका मिल जाता था। लेकिन इस बार बड़ी माली करवाई गई, जिसमें प्रदेश के बड़े पहलवान तो देश भर के पहलवानों से लोहा लेने में सक्षम थे, लेकिन उभरते हुए कलाकारों को उनसे लोहा लेना संभव नहीं था, जिसके कारण प्रदेश के कलाकारों ने कुश्ती प्रतियोगिता से ही बायकॉट कर दिया। वह स्थानीय मेला प्रशासन पर प्रतिभा को दबाने का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता ने जब प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पहलवानों से बात की तो उन्होंने बताया कि वह हजारों खर्च करके बसाल मेले में दंगल लड़ने आए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी अनदेखी की गई, जिसके चलते उन्होंने दंगल में भाग नहीं लिया। उनका कहना है कि जब इस स्थानीय पहलवानों के साथ ऐसा किया जाएगा तो किस तरह से यहाँ का युवा खेलों में आगे बढ़े। उन्होंने जिला प्रशासन सरकार से गुहार लगाई कि स्थानीय प्रतिभा को निखारने के लिए हिमाचल के खिलाड़ियों को स्थानीय मेलों में तवज्जो मिलनी चाहिए। आज सोलन के बसाल मेले में आए थे, लेकिन यहाँ लोकल जो दंगल होता है वो अपने जो हिमाचल के बच्चे हैं उनका आज यहाँ पे कोई भी कुश्ती नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाहर से पैसे दे के कुछ बाहर के पहलवान बुलाए हैं और यहाँ पे हिमाचल के बच्चों की इसलिए कुश्ती नहीं करवा रहे हैं। इनका कहना है कि लोकल बच्चे जो है थोड़े कमज़ोर होते हैं, बाहर के बच्चे अच्छे होते हैं। उनसे मेरा ये कहना है कि हमारे जो लोकल बच्चे हैं वो कैसे आगे आएंगे अगर हमारे लोकल यहाँ के लोग जो हैं अपने लोकल बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए इतने दूर से आए हैं, हमारा 4-5 हज़ार मेरा सबका गाड़ी का है और जितना भी पैसा है वो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। हिमाचल में एक साल में कम से कम 20 करोड़ के हिसाब से पैसा आता है और बाहर चला जाता है। इसलिए कोई भी हिमाचल का गलत अनाज नहीं रहा है, क्योंकि हमारे लोग ही कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा के अखबार हमारे को बुला के किया था यहाँ पे विशाल जंगल में सोलन में, तो ऊना से, कांगड़ा से, बहुत जगह से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे को कोई मौका नहीं दिया यहाँ पे लड़ने का। बताया गया है कि यहाँ पे 2 झंडियाँ है यहाँ पे जो हिमाचल के लिए रखी हुई है, 1 65 किलो की, 1 80 किलो की, लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ पे इन्होंने ओपन कर दिया और हमारे बच्चे वैसे के वैसे रह गए बिना लड़े हुए। तो हमारे बच्चे कहाँ से निकलेंगे अगर ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता रहेगा तो हिमाचल में छोटे बच्चे नहीं निकलेंगे। और अब आपका अंकों में भ्रम हो गया, आपका